नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप को कैसे चलाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप को चलाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा कि आपके फ़ोन में अब दो व्हाट्सएप नहीं रखना होगा। अगर आपके फ़ोन में दो व्हाट्सएप है तो आपको क्या करना है कि दूसरे व्हाट्सएप को यहाँ से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने एक ही व्हाट्सएप से दो व्हाट्सएप को चला सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक ऐसा तरीका आया है, एक ऑप्शन आया है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप को अलग अलग नंबर से चला सकते हैं। इसके लिए आपको केवल करना क्या है कि अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है, जो भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग्स पर जाना है। जाने के बाद आपके व्हाट्सएप अकाउंट के नीचे में एक डाउन बटन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर दूसरा अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आप जिस मोबाइल नंबर से दूसरा व्हाट्सएप का अकाउंट बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अब मोबाइल नंबर डाल लेना है। डालने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ से पूछा जाएगा कि आप किस तरह से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको नीचे में व्यू अनदर वे का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर SMS के जरिए चाहते हैं तो आपको SMS सेलेक्ट करना है। अगर आप कॉल के जरिए चाहते हैं तो आपको कॉल सेलेक्ट करना है। तो हमको SMS के जरिए करना है, तो चलिए SMS को सिलेक्ट करते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ से जो आपका OTP है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर यह फ़ोन नंबर किसी दूसरे फ़ोन में लगा होगा तो आपको OTP डालना होगा, और अगर वह नंबर इस फ़ोन में लगा होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका नेम है वह डाल लेना है और आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्किप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब आपको क्या करना है कि दोनों अकाउंट को कैसे चलाना है। चलाने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है कि स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आपका दूसरा अकाउंट है वो ऑटोमेटिक चलाएगा। अब यहाँ से फिर दूसरे व्हाट्सएप को चलाना चाहते हैं तो फिर से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से फिर से आपका जो दूसरा व्हाट्सएप है वह चलाएगा। तो इस तरह से आप एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप को चला सकते हैं। धन्यवाद।